अभी तक इस चैनल पे मैंने आपको जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, जो गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली, जो गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, उनके बारे में ही बताया, टू व्हीलर्स के बारे में, फोर व्हीलर्स के बारे में। बट राइट नाउ एक सवाल है जो काफ़ी समय से मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है, वो ये है कि मार्केट में अब सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल की जा रही है, तो क्या हमें उसको परचेस करना चाहिए? अगर परचेस करना चाहिए तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए? इवन दो तीन वेबसाइट्स भी है जो सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स कर रहे हैं। वहाँ पर ओकिनावा की गाड़ी मिल जाएगी, हीरो इलेक्ट्रिक की गाड़ी मिल जाएगी, इवन ओला S1 प्रो भी मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड गाड़ियाँ परचेस कर सकते हैं, आप PDI कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ आपको एक्चुअल में चेक करनी चाहिए ड्यूरिंग परचेजिंग ऑफ सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर। सबसे पहली चीज़ आती है बैटरी साइज एंड द कंडीशंस, मतलब बैटरी कितनी साइज की है, उसकी कंडीशन कैसी है, क्या लाइफ देती है, परसेंटेज ऑफ बैटरी कैपेसिटी क्या है, कितने किलोवाट आवर की है, लिथियम आयन बैटरी है या नॉर्मल जो एसिड बैटरी है वो है क्या, ये सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए। साथ में आपको बैटरी की SOH देखना पड़ेगा, यानि स्टेट ऑफ हेल्थ, यानि कि बैटरी की जो हेल्थ है वो कैसी है, कितना रन कर चुकी है, बैटरी कितने देर एनर्जी स्टोर कर पा रहा है, कितने जल्दी वो बैटरी ड्रेन आउट हो रही है, तो ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो आपको यही चेक करना है। दूसरी चीज़ है वारंटी ऑफ बैटरी। अगर गाड़ी किसी ने परचेस की है, 2 साल चला चुका है, 1 साल की वारंटी बची है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि वो गाड़ी आप मत परचेस करो। ऐसी गाड़ी परचेस करो जिसमें लगभग 2 साल की या 1.5 साल की तो वारंटी बची हो। अगर उससे कम है, यानी 6 महीना या 3 महीना बचा है, तो आप उस टाइप की गाड़ी परचेस मत करो, क्योंकि जैसे ही परचेस करोगे कुछ समय बाद अगर बैटरी में इश्यू होता है तो जेब से पैसे लग सकते हैं बैटरी के लिए, और बैटरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। और अगर 1.5 साल बचा है वारंटी में, ऐसे में प्लस पॉइंट क्या होगा, सपोज करिए कुछ भी इश्यूज होता है 3 महीने बाद भी, तो आप बैटरी को रिप्लेस करवा सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं कंपनी से, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर वारंटी लैप्स हो गई उसके बाद परचेस करते हैं, उस टाइप की गाड़ी परचेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है इसका चार्जिंग इनलेट और उसकी सुटेबिलिटी, यानी कि चार्जिंग कैसा है, चार्जर डॉक कैसा है, सेकेंड हैंड चार्जर तो नहीं है या आफ्टर मार्केट चार्जर तो नहीं है, ये चीज़ आपको कंफर्म करना है। और ये कंफर्म करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करने जाए, वही मॉडल की गाड़ी आप शोरूम में आए चेक करिए, वहाँ पे चार्जर कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं वो चेक करिए, वो लोग सेम चार्जर प्रोवाइड कर रहे हैं, देन ही आप उस गाड़ी को परचेस करिएगा। अगर वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, एकदम बाहर से लिया हुआ चार्जर है, तो भैया उस गाड़ी को मत लेना, मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में शॉर्ट सर्किट का इशू हो सकता है एंड बैटरी पे भी ज़्यादा लोड पड़ सकता है, इवन बैटरी हार्म हो सकती है। तो थर्मल रनअवे होने से जो फायर इंसिडेंट हमने सुना है वो होता है, तो उससे बचने के लिए हमें जो कंपनी से एक्चुअल में रिकमेंडेड जो चार्जर होता है ना, उसी का ही यूज़ करना है, एंड वही वाला चार्जर होगा तो ही आप इस गाड़ी को परचेस करना, अदरवाइज सेकेंड हैंड गाड़ी को मत लेना। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें चेक करना चाहिए वो है इसके सॉफ्टवेयर अपडेट एंड OTA अपडेट, ये भी बहुत नेसेसिटी है। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेंटेनेंस। हालांकि ये मेंटेनेंस ऐसी कहानी है कि गाड़ी में जब तक कोई पार्ट्स की रिक्वायरमेंट ना हो, पार्ट्स रिप्लेस नहीं कराना है, तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई ज़्यादा मेंटेनेंस होता नहीं है। बट जो सबसे मेन चीज़ आपको देखना है कि बैटरी को रिप्लेस तो नहीं कराना है, अगर बैटरी रिप्लेस कराना है तो कितनी कॉस्ट होगी, ये चीज़ भी फाइंड आउट पहले कर लेना। एंड बैटरी हेल्थ, तो आपको सबसे पहला पॉइंट ही मैंने बोला कि बैटरी हेल्थ चेक कर लेना। आपको फिर भी कम प्राइस में गाड़ी मिल रही है और उसमें 3 से 4 महीने की वारंटी बची है बैटरी में, या 2 महीने की वारंटी बची है, और अगर आपको बाय चांस परचेस करना पड़ा बैटरी, तो ऐसे में उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, तो ये चीज़ भी फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि जेब पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंड हैंड गाड़ी मतलब होता है कम प्राइस में या एक रीजनेबल प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट आपको मिले, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना कि भैया बैटरी कैसा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पूरे टाइम बैटरी बैटरी की बात करो, किसी और चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। यस, जो अगला पॉइंट है वो इसी के ऊपर ही है, यानी कि बैटरी के अलावा बॉडी कैसी है, बॉडी हाई क्वालिटी है, कहीं स्क्रैच तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, इवन ब्रेक्स देख लेना, ब्रेक्स अगर ड्रम है तो ड्रम ब्रेक कितने घिसे हुए हैं, कितना ब्रेक लीवर खींचना पड़ रहा है, डिस्क ब्रेक है तो डिस्क पैड देख लेना, इवन जो टायर है वो भी देख लेना, टायर कितना घिसा हुआ है कितना नहीं, क्योंकि टायर के जो घिसने से ही पता चल जाता है कि गाड़ी कितनी चली है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बहुत रगड़ के चलती होगी, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियों में ज़्यादा लोग चलाते नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ी वो भर के चार्ज करते हैं और भर के चलाते रहते हैं, तो यहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बहुत
बहुत ही रगेडली, बहुत रैपिडली एंड बहुत ज़्यादा मैसिवली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, मतलब पूरा निचोड़ लेते हैं एंड उसके बाद उनको लगता है कि ये गाड़ी से ज़्यादा वैल्यू नहीं निकल पा रहा तो सेकेंड हैंड वो बेच देते हैं एंड जो लोग परेशान होते तो वो तो ऐसे ही बेच देते हैं। तो इस चीज़ पर भी ज़्यादा देख लेना। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखना है बिफोर यू बाय एनी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया। मार्केट अब सेकेंड हैंड का भी आने लगा है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी गाड़ियाँ लिस्टेड हो रही है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलती है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, बट फिज़िकली आप देखना उसके बाद ये सारी चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स बताए ये सारी चीज़ों को गो थ्रू करना, उसके बाद ही सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छे तो पीछे कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।